सामने आए और इस्लाम कार्ड खेला, तो वहीं बांग्लादेश में जन आक्रोश की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो ये वो 8 तस्वीरें हैं जिन पर आज हमारी नजरें बनी रहेंगी। और चलिए सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, और सबसे पहली बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में आज विधानसभा के चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। राज्य की सभी 90 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 1027 उम्मीदवारों की किस्मत का आज होना है फैसला। करीब 2 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। 8 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव सभी 90 सीटों पर एक चरण के तहत चुनाव होने जा रहा है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए 1027 उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी है। करीब 2 करोड़ मतदाता है राज्य में और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प, जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। और इस सब के बीच आज जो तमाम मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर राज्य का जो भाग्य है उसका फैसला करने वाले हैं। तकरीबन 1027 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। लगातार तमाम दलों की तरफ से रैलियां की गई, हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने 150 से ज्यादा रैली की, तो वहीं कांग्रेस ने 78 के करीब रैलियों को संबोधित किया। और दोनों ही पार्टियों का दावा है कि वो राज्य में सरकार बनाने जा रही है। तो बिल्कुल, मेरे सहयोगी गायत्री ने तमाम रैलियों का जिक्र किया और उन रैलियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तमाम नेता बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या फिर किसी के भी पार्टी के हों, जनता के सामने जाते थे, तमाम दावे वादे करते थे, लेकिन आज सब कुछ जनता के हाथ में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोनों भाई मिलके हरियाणा देश का वो सूबा जिसे शुद्ध देसी सियासत के लिए जाना जाता है। सियासी दलों के तमाम प्रयास, वादों और दामों के बाद अब पारी है जनता की, जब पार्टी और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। प्रदेश की 90 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले पार्टी और नेताओं का जोर शोर दोनों सुनाई दिए। वैसे इस बार चुनाव दंगल में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आप, इनेलो और बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी शामिल हैं। सियासी दलों के साथ साथ नेताओं के लिए इम्तिहान की घड़ी है। किसके सर पर ताज सजेगा, ये जनता के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज सभी 90 सीटों पर वोटिंग। प्रत्याशियों की बात करें तो 1031 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 101 महिला प्रत्याशी जबकि 464 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 20,632 मतदान केंद्र हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। हरियाणा को जानना है तो उसके रीजन को जानना बेहद जरूरी है, जो किसी भी दल के जीत और हार की भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में जाट लैंड, जाट सिख लैंड, अहीरवाल, अंबाला डिवीजन, मेवात और एनसीआर रीजन है। राज्य में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए है। बहरहाल आज के दंगल में किसका मंगल होगा, नतीजे 8 तारीख को सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर अमेठी हत्याकांड मामले से जुड़ी है, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई। और अब जो पीड़ित परिवार है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के अंतिम संस्कार के बाद परिवार योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर सकता है। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मुलाकात कर सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले अंतिम संस्कार और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से परिवार की मुलाकात हो सकती है। लखनऊ में मुलाकात संभव है। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, पीड़ित परिवार योगी आदित्यनाथ से मिलेगा। तो पुलिस को जिस पर शक था
वही हत्यारा निकला। इस पूरे मामले में अमेठी हत्याकांड का कनेक्शन रायबरेली से निकलकर सामने आया है, लेकिन इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ से, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मुलाकात कर सकता है। आपको जानकारी दे दें कि पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के बाद योगी आदित्यनाथ से कर सकता है मुलाकात। तो बिल्कुल, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं, लेकिन आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का आखिर रायबरेली कनेक्शन था क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये पूरा हत्याकांड और इसके रायबरेली कनेक्शन के बारे में विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेठी हत्याकांड का रायबरेली कनेक्शन। पुलिस ने खोली सामूहिक हत्याकांड की परतें। बीते दिनों अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले हत्याकांड वाले घर पर साक्ष्य संकलन के बाद ताला जड़ दिया और हत्यारे की तलाश में जुट गई। मृतक परिवार मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला था, इसीलिए पुलिस ने इस मामले में जांच का जब दायरा बढ़ाया तब एक और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को रायबरेली में छानबीन के दौरान एक मामले का पता चला। दरअसल ये मामला 18 अगस्त का था, जब मृतक महिला ने रायबरेली पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स पर छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया था। मृतक महिला का ये तक कहना था कि अगर उसके या उसके परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन ही होगा, लेकिन रायबरेली पुलिस ने इस मामले को बहुत संजीदगी से नहीं लिया और जिसकी वजह रही कि ठीक 1.5 महीने बाद परिवार के चारों सदस्यों की हत्या कर दी गई। फिर क्या था, पुलिस ने चंदन वर्मा नाम के शख्स की तलाश तेज कर दी और हत्याकांड के अगले ही दिन शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:40 पर जेवर टोल प्लाजा पर उस वक्त धर दबोचा जब वो दिल्ली भागने की फिराक में था। तस्वीरों में दिख रहा यही वो शख्स चंदन वर्मा है जिसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया।